जिंदा हूँ, डरा नहीं हूँ और आपके बीच में हूँ। ना आवाज का दम बदलेगा, ना ही कोई डर है, मौत कल की आती आ जाए। लेकिन जिंदा हूँ, डरा नहीं हूँ, समाज की आवाज ऐसे ही उठती रहेगी, ये बातें बोली है चंद्रशेखर आजाद जब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पूरी जानकारी विस्तार से मैं आगे आपको बताऊंगा कितने घंटे तक चंद्रशेखर आजाद अस्पताल में भर्ती रहे और अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है और कितना जोश अभी चंद्रशेखर आजाद में है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चंद्रशेखर आजाद कल शाम तकरीबन 5 बजे उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। बताया जाता है तकरीबन 3 से 4 लोग आए हुए थे चंद्रशेखर को मारने के लिए। चंद्रशेखर NDTV को इंटरव्यू देते हैं और चंद्रशेखर साफ कहते हैं उन लोगों ने हमला ऐसे किया था कि चंद्रशेखर को अब निपटा ही दिया जाए, यानी चंद्रशेखर को जिंदा ना छोड़ा जाए। और वहीं चंद्रशेखर आजाद जब आज अस्पताल से बाहर आए तो उनका क्या कुछ कहना है, आप एक बार सुनिए। और याद रखना, जिंदा हूँ, डरा नहीं हूँ और आपके बीच में हूँ। ना आवाज का दम बदलेगा, ना ही कोई डर है, मौत कल की आती आ जाए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर माननीय और काशी राम साहब का सपना जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग लड़ते रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अपने चंद्रशेखर आजाद को आजाद पहले जैसे ही अंदाज में बोल रहे हैं, आवाज बिल्कुल नहीं बदली है, बल्कि अब और मजबूती के साथ समाज की आवाज को चंद्रशेखर आजाद उठाएंगे। चंद्रशेखर आजाद साफ कह रहे हैं 1 जुलाई को रैली होनी है और वे रैली में हर हाल में पहुंचेंगे, बहुजन समाज के लोगों को संबोधित करने का काम चंद्रशेखर आजाद करेंगे, साफ कहते हैं चंद्रशेखर आजाद। देखिए, मैं दलित परिवार से आता हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ, मैंने अप्लाई किया था कि मुझे कम से कम एक बंदूक का लाइसेंस दे दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। चंद्रशेखर के पास कोई भी सुरक्षा मौजूद नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। लेकिन बाबा साहब और माननीय कांशीराम ने जो रास्ते बताए हैं, उनका जो सपना है, उस सपना को पूरा करेंगे चंद्रशेखर आजाद। तकरीबन 4 राउंड गोलियां चलाई गई थी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर और सटा दिया गया था, सटाकर ऐसा मारा गया कि चंद्रशेखर बचने ना पाए। लेकिन इस पर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि करोड़ों लाखों माओं की दुआएं मेरे साथ हैं, इसीलिए मैं बच गया। और जो है कि राम भरोसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। मैं एक बार फिर से आपको सुना देता हूं चंद्रशेखर आजाद अस्पताल से निकलने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। शांति बनाए रखना है और याद रखना, जिंदा हूँ, डरा नहीं हूँ और आपके बीच में हूँ। ना आवाज का दम बदलेगा, ना ही कोई डर है, मौत कल की आती आ जाए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर माननीय और काशी राम साहब का सपना जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग लड़ते रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सुन लिया आपने दोबारा से चंद्रशेखर आजाद के बयान को। चंद्रशेखर आजाद उसी तरीके से बोल रहे हैं, उसी तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे। तुम व्यक्ति को मार सकते हो लेकिन विचारों को नहीं मार पाओगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। और चंद्रशेखर आजाद अब दंभ भर रहे हैं कि बहुजन समाज की आवाज को वे लगातार बुलंद करते रहेंगे। कितने चंद्रशेखर मारोगे, हर घर से चंद्रशेखर पैदा होगा। और सरकार से सुरक्षा की मांग चंद्रशेखर आजाद भी कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन द्वारा अभी तक चंद्रशेखर आजाद को कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई है। चंद्रशेखर आजाद जब NDTV को इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं मेरे जैसे लोग हर रोज मारे जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, इसीलिए सरकार उन्हें सीरियस नहीं ले रही है। अगर वे
अमीर घर से होते, ऊंची जात से होते तो उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाती, गरीब परिवार से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, गरीब माँ के बेटे हैं, इसीलिए उन्हें कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है। और चंद्रशेखर आज़ाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पहले जैसे बोला करते थे बुलंद आवाज़ में, अभी भी बुलंद आवाज़ में बोल रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा है, जिंदा हूँ, डरा नहीं हूँ, ना आवाज़ बदलेगी, ना कोई डर है, मौत अगर कल भी आ जाए तो उन्हें कोई गम नहीं है, लेकिन वे जब तक जिंदा हैं तब तक समाज की आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। कल शाम तकरीबन 5 बजे जब हाईवे पर चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला था, चंद्रशेखर आज़ाद को इसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब चंद्रशेखर आज़ाद फिलहाल डिस्चार्ज हो गए हैं, अपने घर जा रहे हैं। और लेकिन घर जाने के पहले बहुजन समाज के लोगों में जोश भरने का काम चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है, क्योंकि तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो लगातार चंद्रशेखर की तरफ से आवाज़ बुलंद कर रहे थे और यूपी सरकार पर सवालिया निशान भी खड़े कर रहे थे। बताइए, योगी आदित्यनाथ के राज में खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, वो भी बहुजन समाज के एक बड़े नेता को जो एक सितारा बनकर के उभर रहा है, पूरे देश के जो बहुजन हैं उनकी आवाज़ लगातार चंद्रशेखर आज़ाद बन रहे हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद के बयान पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।